इस समय जैसा मालूम ही है, शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। एक जीवन को दुनिया में लाने के लिए कितनी तकलीफ दर्द को सहन करना होता है कोई नहीं समझ सकता। सुषमा की डिलीवरी उसके ससुराल में ही हुई थी। शुरू के 4 दिन तो हॉस्पिटल में जैसे तैसे कट गए। असली परीक्षा तो घर आने के बाद शुरू हुई। सुषमा ने अपनी सास रमा जी को कहा, आजकल बच्चे को संभालने के लिए बाई मिलती हैं, जो बच्चे की मालिश से लेकर माँ की मालिश, कपड़े धोने बदलने सब काम कर देती हैं, उसे रख लेते हैं। रमा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि इतने चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा। शुरू के 1-2 दिन तो सब ने ध्यान रखा, लेकिन 1-2 दिन बाद कोई कमरे में ही नहीं आता। पति तो दूसरे शहर में काम करते थे, सासू माँ पड़ोसी से बातों में लगी रहती, खुद का गुणगान करते रहती कि वो कितनी सेवा करती है बहू की। नंद मोबाइल में ही रहती, बच्चे की मालिश करना, नहलाना, कपड़े बदलना सब काम सुषमा को ही करने पड़ते। हालांकि डॉक्टर ने 15 दिन तक ज्यादा देर बैठने को मना किया था, क्योंकि ऑपरेशन से डिलीवरी में टांकों पर जोर ना पड़े, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आता। रात को भी अकेले ही सोना पड़ता। बच्चे को दूध पिलाने के लिए खुद सुषमा को भी भूख लग जाती, पर उसे कमरे से निकलने की मनाही थी कि जब तक नामकरण ना हो कमरे में रहना था। सुषमा को भूख लगती थी पर कोई देखने पूछने वाला नहीं था। सासू माँ तो 2 वक्त की रोटी टेबल पर रख कर चली जाती थी, चाहे सुषमा खाए ना खाए कोई मतलब नहीं। बाकी पूरे दिन सुषमा भूखी ही रहती। खाना खाते वक्त बच्चे को भी खुद ही गोदी में रख कर खाना खाना पड़ता। सुषमा की ठीक से ना रात को ठीक से सो पाती ना भूख मिटती। एक दिन सुषमा की पड़ोसी जो उसकी दोस्त थी मिलने आई। प्रिया ने कहा, सुषमा मैं तो बच्चे के जन्म के बाद बहुत मोटी हो गई थी, तू तो और कमजोर हो गई है। सुषमा की सासू माँ ने कहा, अब सबका शरीर एक जैसा तो होता नहीं, मैं तो दिन भर पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन ये खाती ही नहीं। अब तुम ही बोलो, मैं इस उम्र में बहू की सेवा में लगी हूँ, तरह तरह के पकवान बना बना के खिला रही हूँ, तो भी शरीर को नहीं लगता इसके। लोग तो मुझे ही ताने देंगे कि मैंने कमी रख दी सेवा में। सुषमा की आंखों में पानी आ गए कि दिन में बस 2 रोटी दी जाती हैं, उसे पकवान कहते हैं क्या। प्रिया ने सुषमा को 1 नंबर देते हुए कहा, मुझे सब पता है इस समय कितनी भूख लगती है, और तेरी सास का स्वभाव भी पता है, इसलिए इससे अच्छा है तू अपने बारे में और बच्चे के बारे में सोच। तू पौष्टिक भोजन करेगी तभी बच्चे को दूध पिला पाएगी, और अभी तक तूने खुद के लिए और बच्चे के लिए मालिश भी शुरू कर देनी चाहिए। इस नंबर पर फोन करना, बाय बहुत अच्छी है, कल से आ जाएगी, तेरे खाने का और बच्चे का ध्यान रखेगी, प्रिया ने कहा। अगले दिन बाय आ गई। पहले रमा जी ने खूब हंगामा किया कि क्या जरूरत है, पहले भी तो बच्चे होते थे, हमने भी बच्चे पालकर बड़े किए हैं। सुषमा ने कहा, माँ जी आप पूरे दिन मेरी सेवा करती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप भी अब क्या क्या करेगी, आपने मुझे इतने पकवान खिलाए हैं, अब आप आराम कीजिए, आज से मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गई हैं, और इसके पैसे मैं अपनी तनख्वाह से दे दूंगी। सासू माँ समझ चुकी थी बहू किस पकवान की बात कर रही है, नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, ये एक ऐसा वक्त होता है जब किसी स्त्री को सबसे ज्यादा मदद, प्यार, अपनेपन की जरूरत होती है। अगर इस समय कोई उसकी मदद कर देता है तो एक महिला पूरी जिंदगी उसका एहसान मानती है, दिल से इज्जत देती है। लेकिन अगर कोई आपका ध्यान ना रखे तो आप खुद का ध्यान रखें, बिना डरे बिना संकोच के अपने लिए अपने बच्चे के लिए कदम उठाएं, क्योंकि इस वक्त की लापरवाही पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।